हेलो, मेरा नाम है जुलान अंजन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम अपने एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर या टॉपिक है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए ये जो मेथड है या ये जो चैप्टर है, ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपने देखा होगा तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ कुछ जगह रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज़ किया था। जब हमने कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का एक रेशियो यूज़ किया था, यूनिट में यूज़ किया था, जो पुराने वीडियोज थे इसमें, तो वहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज़ किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बताता है हमको। देखिए ये जो है ये सिर्फ जस्ट गिव अ रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच एक प्रकार से एक रिलेशनशिप, दो इक्वेशन के बीच ये अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि क्या, देखिए अगर कभी भी ए रेशियो बी इज इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ टू रेशियो थ्री, इसका मतलब क्या हुआ, ए बाय बी इज इक्वल टू टू बाय थ्री, तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं कि ए जो है वो टू एक्स होगा, बी थ्री एक्स होगा। अब ये x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इस तरह से हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि a अपॉन b 2 है और 3 है, तो a और b 2 और 3 नहीं होगा, 2 के साथ कोई कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा जो दोनों में होगा, 2 के साथ कोई कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 के साथ कोई कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा, आप x बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, y जो भी है, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन हम लेते हैं समझने के लिए कि ए रेशियो भी अगर 1/2 और इस कॉन्सेप्ट में अगर कभी भी ऐसा आपको दिया है तो सिंपली उसका लॉजिक होता है ए रेशियो भी निकालने का, अब डिवाइड कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3:2, यही होगा, 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा एलसीएम के बाद, और फिर इस 6 को मत लिखिए, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 होगा। ये क्लियर हो गया, ये पहला कंडीशन। और अगर एक और ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए ये आपको मैं समझाने के लिए बोला कि अगर फ्रैक्शन में 1/something देगा तो रेशियो कैसे निकलता है, एलसीएम बस ले लीजिए और जो नीचे एलसीएम है उसको कट कर दीजिए और इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा और बेसिक्स में देखते हैं, अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है 0.2:0.04, अगर ऐसा दिया है तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन पे नहीं होता, तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2/10:4/100 पॉइंट को हटाने के लिए, तो ये 1/5 और ये 1/25, सो यहाँ क्या आ गया, 1/5:1/25। अब सिंपली ये रेशियो में है, डिवीजन में, तो ये एलसीएम 25 आ गया और ये 5:1, 25 को हमको कट कर देना है, सो फाइनली ए रेशियो भी इस केस में क्या आ गया, 5:1। मैं सिर्फ आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ट्राई करते हैं बनाना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो 2:3 है, ए प्लस बी जो है वो 300 है, आपको ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट कर। देखिए इसके आपको जो ट्रिक है वो बहुत सारी होती है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ जो आपको यूज़ करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ए कितनी है, 2 यूनिट, यहाँ तक अगर मैं यूनिट के फॉर्म पे लिखूं, बी है 3 यूनिट,
ए प्लस बी कितना हो गई 5 यूनिट, और क्वेश्चन में ए प्लस बी की वैल्यू दी है 300, सो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60, तो ए कितना है 2, और एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 2 × 60 इज इक्वल टू 120, बी कितनी है 3 यूनिट, तो 3 × 60 180, आपका आंसर आ गया। चलिए इसी लॉजिक के हिसाब से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करके जो इसके टॉप क्वेश्चंस होते हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहले आपको मैं बेसिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको जल्दी बन जाएगा। बी माइनस ए क्या हो गया 10 है, सो फाइंड ए एंड बी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखिए ए कितना है 2 यूनिट, बी कितना है 3 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस है मतलब 3 − 2 1 यूनिट, बी माइनस ए इज इक्वल टू 10, तो 1 यूनिट की डायरेक्ट वैल्यू 10 आ गई, तो ए हो जाएगा 20, बी हो जाएगा 30। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड होता है जॉइनिंग द रेशियो, जॉइनिंग द रेशियो, जॉइनिंग द रेशियो। देखिए अगर क्वेश्चन है इस तरह से कि जैसे कि ए रेशियो बी मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3, बी बाय सी दिया हुआ है 4/3, और आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसका सिंपल जो ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ उससे लगभग सब हो जाएगा। देखिए ए रेशियो बी को लिखिए 2:3 और बी रेशियो 4 को लिखिए 4:3, तो जो ट्रिक होता है वो ऐसा होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करिए डायरेक्ट 2 से 4, तो वो कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब करिए इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 12, फिर इसका करिए 3 का इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 9, ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या बोला मैंने फिर से देखिए, ए रेशियो बी है तो 2:3 और 4:3, तो फर्स्ट के लाने के लिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8 हो गया 2 × 4, सेकेंड के लिए इसको इससे 12, और थर्ड के लिए इसको लास्ट वाले से 9। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक बना लेंगे, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको देख के। अगर 3 के बदले 4 का रेशियो है कैसा, ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3, बी बाय सी इज इक्वल टू 4/3, सी बाय डी इक्वल टू 2/5, ये भी इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो 2:3, 4:3 और 2:5 इस तरह से है। तो पहला लाने के लिए हमने क्या किया था, ये फर्स्ट वाले को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते जाइए, बस फर्स्ट वाले के लिए इनको मल्टीप्लाई करते जाइए बस। तो क्या हुआ 2 × 4 8, 8 × 2 16, तो ये 16 आ गया। सेकंड लाने के लिए हमने क्या किया था, सेकंड वाले को हमने नीचे से मल्टीप्लाई किया था और इससे वापस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इसको फर्स्ट, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले लाने के लिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड लाने के लिए सेकंड वाले को ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया था, थर्ड वाला स्पेस लाने के लिए हमने ऊपर वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे आप चलते जाइए, 3 को आप पहले इस यहाँ से ऐसे जाएंगे, 2 से आपने पहुँचिए, अब 3 को पकड़िए, 3 से यहाँ से गए तो 3 × 4 12 × 2 24, अब थर्ड डिजिट चाहिए आपको, तो सिमिलरली कैसे जाते थे हम, इसको इससे, अब इसको इससे अगर आप चले गए यहाँ नीचे तो थर्ड डिजिट आ गया 3 × 3 9 × 2 18। सिमिलरली इसको इससे जाइए, और अगर ये आप लास्ट वाले को टच कर गए तो आपको कैसे पहुंच जाते थे, सिमिलरली लास्ट वाले के लिए लास्ट वाले में तो 9 ×
5:45 ये रेशियो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो एक छोटी सी ट्रिक और है। अब वो शायद अगर मुझे तो ये सबसे आसान लगा था, पर एक ट्रिक और होती है। अब ए तो देखिए, रुक जाइए, आप सबसे पहले रेशियो लिख लीजिए, क्या है 2:3 और फिर क्या 4:3:2:5। आप कुछ मत कीजिए, आप ये जो है इसको यहाँ पे लिखिए और इसको यहाँ लिखिए 3। उसी प्रकार 4 को वापस यहाँ सामने लिखिए, जो है ये 2 अगर यहाँ है तो ये 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 3 है तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, अब इन सबको, ये ए का होगा, ये बी, ये सी, ये डी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, रेशियो 3 × 4 = 12, 2 = 24, 3 × 3 = 9, 2 = 18, ये 9 × 5 = 45। ये भी वही लाएगा और एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया था, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको तीन वाले में लगा के देखते हैं, पहले केस में, ठीक है, तो 2, 2, 3, 4, 3 ये था, तो ये 3 इधर आ जाएगा, जो भी गैप में उसके ये वाली डिजिट कॉपी हो जाती है, इधर एक गैप बच रहा है तो 4, तो ये इसको इंटू कर दीजिए, तो 8, 12, 9, यही तो आया था 8, 12 और 9। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं, जो ऐसे कंबाइन करने वाला क्वेश्चंस कभी कभी कुछ एग्जाम्स में आ जाता है, तो आपको इससे वो बन जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, x रेशियो y दिया हुआ है, 3:4, एंड y रेशियो z दिया हुआ है, 3:4। सो यहाँ दिया हुआ है x + y + z / 3z, आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, कभी भी आप ये गलती नहीं कर देंगे कि पहले वाले से x को आप 3 बोल दीजिए, y को 4 बोल दीजिए, यहाँ से z को आप 3, 4 बोल दीजिए, ये कभी आप नहीं करेंगे। जो भी रेशियो होता है वो अगर एक रेशियो में होता है तब उसका यूनिट शेयर होता है, मींस एक्स वाई जेड के अगर आपको कोई यूनिट के फॉर्म पे वैल्यू चाहिए तो आपको एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ही निकालना पड़ेगा। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड हम निकालते थे कैसे, 3:4, 3:4, यहाँ पे 4 चला जाएगा, यहाँ 3, तो ये 9:12:16। ठीक है, तो अब आप ये क्या रेशियो है एक्स वाई जेड का, तो अब ये x = y = z मिल गया ना, अब आप यहाँ से x को 9 यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि तीनों की जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू है उसका एक कॉमन रेशियो है ये, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं 12 यूनिट z 16 यूनिट। ठीक है, अब आपको ये जो वैल्यू निकालनी है ये निकल जाएगा 9 + 12 + 16 / 3 × 16, तो ये आ जाएगा आपका 37/48, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए, 3a है = 2b = 4c, तो आपको जो रेशियो चाहिए a:b:c इस केस में कैसे निकलेगा, चलिए ट्राई करते हैं एक बार इसको। तो इस केस में देखिए क्या होगा, जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए = 2b = 4c, इसको इक्वल आपको एक के कांस्टेंट के फॉर्म पे मान सकते हैं, ये ऑब्वियसली तीनों इक्वल है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये जो तीनों अगर मान लीजिए a वैल्यू, तो ये a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, k/3, b आ जाएगा k/2, c आ जाएगा k/4, ये इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा, तो वहीं से ये वैल्यू आ गई। अब a:b:c चाहिए, तो k/3, k/2, k/4, k कॉमन है तो कट गया,
इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, और फिर ये कितना होगा, 4:6:3, और इसको हम काट देते हैं हमेशा, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:6:3। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 5:7:6। अब देख लीजिए जितने भी फैक्टर लिखे हैं वहाँ पे सब एक ही फॉर्मूले में हैं, तो ए प्लस बी को हम यहाँ से डायरेक्टली 5 मान लेते हैं, बी प्लस सी को हम यहाँ से डायरेक्टली 7 यूनिट के फॉर्म में मान रहे हैं आप, सी प्लस ए को आप डायरेक्टली 6 मान रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को सबको ऐड कर दूँ, सबको ऐड कर दूँ, अच्छा यहाँ पे निकालना क्या है, ओके यहाँ पे दो वैल्यू आपको निकालनी है, फर्स्ट ए रेशियो बी रेशियो सी, सेकेंड 1/a, 1/b, 1/c, ठीक है। तो मैं तीनों को अगर इन सबको ऐड कर दूँ, ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a+b+c इज इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। अब आपके पास ये और ये है, तो यहाँ से आप c निकल जाएगा, a प्लस बी की कितनी वैल्यू, 5+c इज इक्वल टू 9, तो c इज इक्वल टू 4, तो c को अगर आप यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब c को यहाँ पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3:4। अगर 1/a की मैं बात करूँ, 1/a, 1/b, 1/c अगर मुझे निकालना पड़ा तो कैसे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6, a+b जस्ट अ सेकेंड रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए रेशियो 5:7:6 से सेम इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन से, एंड 2a-3b+4c इज इक्वल टू 66 दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैंने आपको इसका बताया लॉजिक, चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर से तो ए रेशियो बी रेशियो सी तो सेम पहले जैसे निकल जाएगा, 2:3:4, ठीक है। यहाँ पर ए 2 b 3 c 4 यूनिट यहाँ पुट कर दीजिए, 2a तो 2 × 2 − 3 × 3 + 4 × 4, सो ये 4 − 9 + 16 इज इक्वल टू 66, सो ये 11 इज इक्वल टू 66, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको आ जाएगी 6, तो वो इधर पुट कर दीजिए, तो a कितना आ जाएगा 12, b आ जाएगा 18, c आ जाएगा आपका 24, ठीक है। ये सेम प्रीवियस जैसे हमने यूनिट से खेला वो यहाँ पे भी वही कर दिया हमने। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 7 है ना, आई थिंक 6 हमने कर लिए हैं, दिस इज 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 4:5, यहाँ तक ठीक है। अब बी रेशियो ए प्लस सी इज इक्वल टू 5:13। देखिए अब आप यहाँ समझिए एक इम्पॉर्टेंट बात को, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4, b प्लस सी इज इक्वल टू 5 आप नहीं ले सकते, ये तब वैलिड है जब इक्वेशन एक ही होता और इक्वेशन ओनली 1, नो अदर रिलेशन इज गिवन,
देन इट इज ट्रू, देन इट इज ट्रू। बट क्या यहाँ एक ही रिलेशन दिया है इनके बीच, इन वेरिएबल्स के बीच का? नहीं, यहाँ दो रिलेशन दिया हुआ है। तो जब भी दो रिलेशन अलग अलग दिया हो उन्हीं वैल्यूज का, तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपली देखिए इसका ट्रिक, मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, चलिए इसका सिंपल एक ट्रिक है। क्या ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 4:5, ये है। अगला क्या है, बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 5:13। देखिए अब इन दोनों यूनिट को ऐड करिए, ये कितना रहा 9। अब इन दो को ऐड करिए, सॉरी दिस इज 13, इन दोनों को आप ऐड करिए, ये कितना आ रहा है ऐड 18 यूनिट। देखिए तो अब आपको एक कॉमन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये भी इसका भी ऐड 18 यूनिट हो और इसका भी, मतलब सेम यूनिट में हो, सेम यूनिट में। तो इसको 9 को 18 बनाने में अगर मैं इसमें इनटू 2 कर दूं, मींस ए रेशियो बी प्लस सी 4:2 अपॉन 5:2 मींस 8/10। अब ऐड करिए इसको, अब 18 यूनिट ही आ रहा है ना। देखिए अब बराबर हो गए दोनों का सम, दोनों 18 यूनिट हो गए, ये दोनों अब दोनों 18 यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, इनटू 2 मल्टीप्लाई करके। ये आगे भी आपके कुछ क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए अभी देखते हैं, अब हम डायरेक्टली मान सकते हैं, अब हम क्या मान सकते हैं कि ए जो है वो 8 है, बी प्लस सी जो है वो 10 है, बी जो है वो 5 है और ए प्लस सी जो है आपका 13 है। तो यहाँ पे ए 8, बी 5, सी 5। अब देखिए सारे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो भी यहाँ से ए की वैल्यू 8 ही आएगी। आप देख लीजिए, जब तक उनका यूनिट का ऐड सेम दोनों में नहीं होता तब तक आप ऐसे ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। उनको बराबर करना पड़ेगा, आपको उनको बराबर करना पड़ेगा। तो आपका ए की वैल्यू, तो अब आपका ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया यहाँ पे, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अब तीनों की वैल्यू मिल गई, अब आराम से, तो इसका रेशियो का 8:5:5। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। देखिए टू नंबर आर इन रेशियो, बढ़िया, कितने में, 4:9 में। इफ बोथ नंबर इंक्रीज्ड बाय 12, रेशियो बन जाएगा बिकेम 11:21। तो सम ऑफ ओरिजिनल नंबर निकालना, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर, ऑप्शन है इसका 52, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 128, ऑप्शन डी है 104। सो सॉल्यूशन यहाँ क्या आ गया, देखिए मैं अगर ए और बी मानूं दोनों को, तो ए रेशियो बी कितना हो गया 4:9, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करने बोल रहा है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू की बात हो रही है, तो अब मैं डायरेक्ट ए को 4 नहीं मान सकता, क्योंकि कोई वैल्यू हो रही थी, तो ए को मैं मान लेता हूँ 4x, कोई x, ये वो x नहीं है जो आपको याद आ रही है, ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का x है, 9x, करेक्ट, यहाँ तक ठीक हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे कितना वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, 12, तो 4x प्लस 12 अपॉन 9x प्लस 12, अगर मैं इसको करा तो
तो ये जो रेशियो है वो 11/21 हो गया। यहाँ तक ठीक है कि इतना, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अगर मैं उसको 12 बढ़ाया तो वो रेशियो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 4 मतलब 4 मतलब 84x प्लस 12 × 21 = 11 × 9x + 11 × 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू है, जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8। तो अब आपको अगर इसको ऐड करना पड़ा तो ये ऐड करने में कितना आ जाएगा, 4x + 9x = 13x। सो 13 × 8 मीन्स 104 इज़ द आंसर, 104 इज़ द आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं, हम वो करते हैं, फिर इस क्वेश्चन में हम वापस आएंगे कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक लग सकती थी या नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले हम और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये तीन में अभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट, ये क्वेश्चन PSU में भर भर के आते हैं, ऑफ ए एंड बी इज 8:9 आफ्टर 9 ईयर्स, दिस विल बिकम 19:21, सी इज 3 ईयर यंगर टू बी, वॉट इज प्रेजेंट एज ऑफ सी, ऑप्शंस आर 49, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 52। चलिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ दिखने में ख़तरनाक है, मैं सिर्फ दिखने में ख़तरनाक हूँ पर आदमी और आंसर बड़ा सिंपल हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा है नो डाउट, पर जो अप्रोच है वो एकदम सिंपल है। देखिए क्या है अप्रोच, एक बार अगर आप वो समझ गए तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार में निपटा देंगे। चलिए कैसे देखते हैं, चलो देखते हैं। देखिए ऐसे केस में आपको क्या जुगाड़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि देखिए ये प्रेजेंट एज है, तो इस केस में रेशियो कितना था प्रेजेंट एज में, 18:9। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, मुझे भी नहीं है। देखिए उसके बाद आफ्टर नाइन ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 ईयर में, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है आगे, बिकम 19:21। ऐसे केस में आपको इसका डिफरेंस देखना होगा, पहले इसका डिफरेंस कितना है, तो 9 - 8 = 1, इसका भी डिफरेंस देखना होगा आपको। ये मैं मेथड बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए इसका, 2। तो ये दोनों डिफरेंस सेम होने चाहिए, शुड बी सेम, तो मींस इसको 2 करना है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा मेरे को पूरे में, तो मल्टीप्लाई 2 मींस ये 16:18 बन गया। अब दोनों का डिफरेंस सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। सो अब मैं कोई भी दो वैल्यू को पकड़ लूँगा, कोई भी दो वैल्यू को, जैसे कि क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 से 19 में +3 हो रहा है, 18 से 21 में भी +3 हो रहा है, अब सेम हो गया ये, मींस 3 यूनिट = 9 ईयर्स मींस 1 यूनिट = 3 ईयर्स।
ठीक है। सो यहाँ पे जो ए एंड बी की एज थी अब वो कितनी हो गई, नया रेशियो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, न्यू रेशियो कितना हो गया, क्योंकि हमको जो वैल्यू निकली है वो नया रेशियो से निकली, तो 16:18 हो गई। सो ए का कितना हुआ, 16 × 3 वन यूनिट की वैल्यू तो 48। बी का कितना हुआ, 18 × 3 54। हमको निकालनी है सी की एज, तो वो क्या बोल रहा था, सी इज 3 ईयर यंगर टू बी, सो सी की जो एज होगी वो 54 − 3 क्योंकि यंगर है 51। इतना सिंपल था ये, 51 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन सी मैच कर गया। चलिए इसी तरह से दो क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूँगा, फिर हम जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें वापस जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट ए एंड बी की जो एज का रेशियो है वो 6:5, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले इनका एज का रेशियो था 5:4। सो आपको निकालना है रेशियो ऑफ ए एंड बी आफ्टर 12 ईयर, करेक्ट, ठीक है, फ्रॉम नाउ, ऑब्वियसली फ्रॉम नाउ। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। देखिए प्रेजेंट एज क्या थी उनकी, प्रेजेंट एज 5:4, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना आया, 1। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 4 ईयर एगो मींस 4 ईयर एगो वो जो एज था उनका क्या था, 6:5, इसका भी डिफरेंस कितना है, 1। सो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, -1, यहाँ से यहाँ तक -1 माइनस किए, मींस मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपका जो एज है वो 1 यूनिट में 4 ईयर हो रहा है, 4 साल पहले, ठीक है, तो 3 यूनिट में 12 ईयर होगा, सॉरी माई बेट अभी का एज है 6:5 और 4 साल पहले का था 5:4, तो ये +1 + 1 हुआ, सो 1 यूनिट में 4 ईयर तो 3 यूनिट में 12 ईयर। आपको क्या निकालना था, 12 साल बाद, सो प्रेजेंट एज से, ये प्रेजेंट एज है, क्योंकि डिफरेंस सेम है तो हम डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से निकाल लिए। प्रेजेंट एज में अगर मैं इसमें +3 कर दूं, +3, ठीक है, तो वो 12 ईयर हो जाएगा, तो 6 = 19:8, ये आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। चलिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, 7 ईयर एगो दी एज ऑफ ए एंड बी वर इन रेशियो ऑफ 4:5 आफ्टर 7 ईयर देयर एज रेशियो बिकेम 5:6
वॉट विल बी एज आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, 34:41 बी 33:40 सी 31:33 डी 33:34। चलिए सॉल्व। प्रेजेंट एज का हमको रेशियो पता है क्या? सबसे पहले प्रेजेंट एज में देखेंगे, प्रेजेंट एज का हमको रेशियो नहीं पता। प्रेजेंट एज से 7 ईयर पहले मीन्स 7 ईयर एगो ऊपर जाएंगे आप, 7 साल पहले जो एज रेशियो था वो कितना था? ए एंड बी का 4:5। ठीक है, और 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर ये रेशियो कितना हो गया? 5:6। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब देखिए, मींस यहाँ से यहाँ तक अगर हम चले हैं सो कितना हुआ? +1 यूनिट +1 ऐड हुआ। डिफरेंस सेम है तो मैं डायरेक्टली रखता हूँ, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट मीन्स 14 ईयर, क्योंकि 7 साल पहले और 7 साल बाद तो दोनों को मिला के 14 साल हो गया, 14। ठीक है, सो यहाँ पे या अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1 ईयर में कितना यूनिट होता है? 1/14 यूनिट। और अगर अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रेजेंट से 5 ईयर बाद, तो प्रेजेंट का तो हमको पता नहीं है तो उसका उसकी जरूरत भी नहीं है एक प्रकार से मैं बोलूँ तो 1 ईयर में 1/14 यूनिट आती है। सो अगर मैं ये बोलूँ कि देखिए 5 ईयर बाद कितना होगा? 5 साल बाद। सो अगर आपको यहाँ चीज़ से समझ आ रहा होगा कि 5 ईयर बाद हमसे पूछा है फ्रॉम नाउ, तो मींस अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो देखिए 7 ईयर में प्रेजेंट आया, फिर प्रेजेंट से अगर 5 ईयर आफ्टर मैं बोलूँ तो कुछ समझ आ रहा है आपको? तो ये 12 ईयर की बात नहीं कर रहा है, 12 ईयर। तो अगर 1 ईयर में 1/14 यूनिट आता है सो 12 ईयर में मैं अगर देखूं तो 12/14 मींस 6/7। सो अगर मैं अगर मुझे ए बाय बी का रेशियो निकालना है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, फ्रॉम प्रेजेंट, तो मैं जो 7 साल पहले था जो कि 4, तो 4 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 6/7। सिमिलरली 5 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 6/7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34/41। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 34/ हाँ ऑप्शन ए इज मैचिंग। ठीक है, सो ये जो 3 तरह के क्वेश्चन थे हमने इसको सॉल्व कर लिए। हाँ अब अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि देखिए देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को उस ट्रिक से सॉल्व करें कि 2 नंबर था, इफ़ बोथ नंबर इंक्रीज मतलब 12 आगे कर दीजिए, तो अगर आप देखेंगे इसका जो डिफरेंस है वो 2 है, इसका जो डिफरेंस है वो 5 है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए एक सेकेंड रुकिए, जस्ट सेकेंड, ये डिफरेंस 10 का है।
सिटीज़ को ट्राई करते हैं उस लॉजिक से सॉल्व करने है कि हर जगह वो एप्लीकेबल है क्या। 4:9, 12 जब उसमें ऐड हुआ, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 11:21, इसमें डिफरेंस 10 का है, इसमें डिफरेंस 5 का है, तो चलिए इनटू 2 करके डिफरेंस 10 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 8:18। सो अगर अब इधर आप ऐड करेंगे तो यहाँ कितना ऐड हो रहा है, +13, इधर जब ऐड हो रहा है तो +3, तो ये देखो ये डिफरेंट हो गया, यहाँ डिफरेंट आ गया। ये सेम नहीं है, तो इसलिए अब आप इसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए अब आप इसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते। सो कन्वेंशनल मेथड शुड बी यूज्ड, क्लियर हो गया। ठीक है, सो ये पार्ट वन था इस वीडियो का, छोटा सा थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।